हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डीएसएसबी के बारे में आप लोगों के लिए कल भी हमने वीडियो बनाई थी, बहुत से साथियों ने और भी बनाई है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेशल ये है कि कल तक सिर्फ एक पेज वायरल हो रहा था जिसके ऊपर सिर्फ पोस्ट के बारे में बताया गया था। आज के नोटिफिकेशन में हम पूरा 3 से 4 पेज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, जो 8 पेज तक होता है, इसमें आप देख सकते हैं 8 पेज का नोटिफिकेशन है। इस पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे और इसमें उन सारी चीजों का जिक्र है जिन चीजों का डाउट होता है, चाहे वो एज की बात हो, चाहे एज में रिलैक्सेशन की बात हो, चाहे बीएड वालों की बात हो, चाहे एलिमेंट्री वालों की बात हो, चाहे गेस्ट टीचर की बात हो, यानी तमाम वो चीजें जो परसेंटेज से लेकर के और क्वालिफिकेशन तक जाती हैं, वो सारी चीजें एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि सरसरी नोटिस में तो 2-4 चीजें आपके लिए होती हैं, लेकिन ये डिटेल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, और इसी के बेस पर आप फिलअप करेंगे या नहीं करेंगे, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, एलिजिबल है तो आगे क्या करना है, इन सारी चीजों पर आइए एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले जरूरी यह है कि इसमें जो आपको ऊपर लिखा हुआ है, ये डीएसएसबी का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी पोर्टल पूरे भारत में डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, हरियाणा टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल देता है, जो पूरे भारत में बाई कोरियर आपको मिलता है। आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। आइए अब देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSSB, डेट 5 सितंबर की है, कल की डेट है। आज हम 6 को इसको बना रहे हैं क्योंकि पहले मैंने वीडियो बना दी थी कल, लेकिन उसमें पूरी डिटेल नहीं थी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज बच्चों को अधूरी दी जाए। तो इसमें स्टडी पोर्टल, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें स्टडी पोर्टल के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे हैं तो आप फेसबुक पे भी हमारी सभी वीडियोज को आजकल देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इसका 3/2019 है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये कहता है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे, और किसी भी मोड में अगर भेजा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओपनिंग डेट जो है आपकी वो 16 सितंबर है, क्लोजिंग डेट जो है आपकी 15 अक्टूबर है, यानी 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एक महीना रहेगा। उसके बाद अगर पोस्ट की बात करेंगे तो ये तमाम पोस्ट है जो हमने कल भी बताया था आपको। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में 637 है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी में आपके लिए 141 है, और आपका जेई सिविल के 204 है जल बोर्ड की। अब उसके बाद अगर आप, ये आपकी साइट है जिनके ऊपर आप इनको देख सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम, अपना सब्जेक्ट का नाम और सिटी का नाम, ये तीनों चीजें लिखकर आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। DSSSB साथ में जरूर लिख देना ताकि हम आप लोगों को DSSSB वाले में काउंट कर सके, और ग्रुप वाले बच्चे मैसेज ना करें जो सारा दिन हेलो हाय ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है भाई, ये पहले बता रहे हैं। दूसरी बात, ये इसके साथ साथ अगर आप आगे डिटेल इसकी देखते हैं तो बाकी इसमें क्या क्या जानकारियां दी गई हैं। सबसे पहले इसमें यहां पर कहा गया है कि द डिटेल रिकॉर्डिंग नेम और पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल, एज लिमिट, ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पर, यहां पर नीचे दी गई हैं डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर पोस्ट की बात करेंगे तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए यहां पर बताया गया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 637 आपकी है, जनरल की 332 है, ओबीसी की 119 है, एससी की 115, एसटी की 35, ईडब्ल्यूएस की 36 और फिजिकल हैंडीकैप्ट और वीएस वालों की 29 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले हम लोग, किस पोस्ट के लिए, पहले हम असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी का है उसके लिए पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी, यानी प्लस टू पास होना चाहिए 12वीं आपका, कम से कम 50% नंबरों के साथ, और 2 साल का अपना डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी, अगर वो नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी आपका कम से कम 45% नंबरों के साथ होना चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपका होना चाहिए 2002 के रेगुलेशन के तहत, एनसीटी के तहत। तीसरी कंडीशन अगर दोनों में ऊपर वाली नहीं है तो तीसरी में क्या है, सीनियर सेकेंडरी, यानी सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, 12वीं पास होना आपका होना चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ, और उसके साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED होना चाहिए। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर सीनियर सेकेंडरी आपका 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए तो भी आप चल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन हो
दो साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का हो, क्योंकि कुछ राज्यों ने ग्रेजुएशन के बेस पर एलिमेंट्री एजुकेशन करवाया था, तो वो भी आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका सीटेट पास होना चाहिए जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्टेड हो। सीबीएसई इन्होंने क्यों लिखा है, सीटेट को तो आमतौर पर सीबीएसई लेता है अब, लेकिन कई बार बच्चे सीटेट को अपने स्टेट का टेट के साथ काउंट कर लेते हैं, तो यहां पर सीटेट भी होना चाहिए। उसके और तीसरी बात है, मस्ट हैव पास्ट हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। यानी जब आप सेकेंडरी लेवल, जो दसवीं क्लास आपकी है, दसवीं में आपका हिंदी या फिर उसके अलावा उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, इनमें से एक, यानी हिंदी आपकी होनी चाहिए, ये मस्ट है, और उर्दू में से, पंजाबी में से, इंग्लिश में से आपका एक होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीनों में से कोई एक है और साथ में हिंदी है, देन यू आर एलिजिबल। ये भी आपको देख लेना है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप। अच्छा, यहां पर एक बड़ी चीज इन लोगों ने अब की बार दी है, बाकी बोर्डों में ये नहीं होता है, पहले भी आमतौर पर नहीं होता है ये, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर आपके जो नंबर हैं, नंबर में एक बार डिटेल में बता देता हूं आपको, जैसे ये हैं, ये 50% मार्क्स हैं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी इसमें आते हैं तो ये जो 50% मार्क्स हैं इनकी जगह आपका 45 चलेगा। अगर ये 45 है तो इनकी जगह आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपका 40 चलेगा। ये अगर 50% का डिप्लोमा है और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपका 45 चलेगा। ये अगर आपका 50 है नहीं है, 45, 46, 47, 8 है तो आपका चलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखें, ये जो सीटेट वगैरह वाला वगैरह है वो आपका सेम रहेगा, उसमें आप लोगों को कोई अलग छूट नहीं मिलेगी। ये चीज आप लोग यहां पर दिखा देता हूं मैं। डिजायरेबल जो है वो कोई नहीं है आपकी, एजेंशियल भी आपकी कोई नहीं है, डिजायरेबल भी आपकी कोई नहीं है। पे स्केल की बात करेंगे तो 9300 से 34800 वाला, जिसको ग्रेड पे 4200 मानते हैं, ग्रेड 2 में आता है, बी में आता है, ये आपका हो जाएगा। एज लिमिट की बात होगी तो नो एक्सीडिंग 30 इयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन गिवन बिलो एट पैरा 6। यानी जो आपकी एज है जनरल के लिए वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन वाले बच्चों की बात करेंगे तो जो पैरा नंबर 6 में एज की बात है, रिलैक्सेशन दिया गया है, वही चलेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर गेस्ट टीचर के बारे में बात करेंगे तो गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ओनली दोज हु हैव नॉट अवेल्ड एज रिलैक्सेशन इन द प्रीवियस रिक्वायरमेंट। यानी जिन लोगों ने पिछली भर्ती में, रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन नहीं लिया था, वो गेस्ट टीचर यहां एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको सोचना है, लेकिन वो दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 120 डेज। अगर वो कम से कम उन लोगों ने 120 दिन यानी 4 महीने तक पार्टिकुलर एकेडमिक ईयर में काम किया हो, ये आपके लिए जरूरी होगा। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइज सुटेबल फॉर पीएच, बीएच, हैंडीकैप पर रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर बात करेंगे आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी वालों की, उसके लिए भी 141 पोस्ट हैं, जनरल की 77, ओबीसी की 26, एससी की 21, एसटी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 8। अब इसमें क्या है, यहां क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी आपकी प्लस टू होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए 45% नंबरों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। उसके साथ आपका डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये आपका इसमें हो जाएगा। मस्ट हैव पास्ट हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, आपकी हिंदी दसवीं लेवल पर जरूर होनी चाहिए। डिजायरेबल इसमें भी नील है, एजेंशियल इसमें भी नील है, डिजायरेबल यहां नील आपका रहेगा। उसके बाद अगर पे स्केल की बात करेंगे तो 9300 से लेकर के 34800, ग्रेड पे की बात होगी तो वही 4200 वाला रहेगा आपका। उसके बाद एज लिमिट यहां भी 30 साल तक आपका होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो वहीं पर हम देखेंगे जो पैरा नंबर 6 में सबके लिए दिया गया है, यहां भी गेस्ट टीचर के लिए सेम कंडीशंस है। अगर आपने पहले पिछली रिक्रूटमेंट में अगर इसका फायदा नहीं उठाया है तो आप यहां इसका फायदा ले सकते हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर वालों की है, यहां पर आप देखोगे क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए या फिर कोर्स के साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल यहां नील है,
एजेंशियल में डिप्लोमा 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क आपका चल जाएगा। डिजायरेबल नील इसमें है 9300 से लेकर 34800 और पे स्केल आपका 4200 यहां भी रहेगा। अच्छा उसके बाद क्या बचता है, अब आपके लिए फॉर्म जो है आपका वो ऑनलाइन होगा, बाकी कंडीशंस में आपको एज वगैरह की इसमें साथ में बता दूंगा। अच्छा इसमें और देखिए आप लोग, एक तो आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, दूसरी बात एससी एसटी ओबीसी का अगर बेनिफिट लेना है तो वो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग होगा, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होगा। आउटसाइडर कैंडिडेट आमतौर पर जनरल में काउंट होते हैं, ये आपको एक बार सोचना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड लीजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड कंटेनिंग सिग्नेचर, ये सबको आपको डालना पड़ेगा। द सेंटर फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी, सेंटर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली एनसीआर में होगा। कुछ बच्चे बोल देते हैं सर मैं यूपी में बिहार से आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से गुजरात से राजस्थान से बोल रहा हूँ तो क्या मेरा आपके यहाँ पर हमारे यहाँ सेंटर होगा, नहीं दिल्ली एनसीआर में आपका सेंटर होगा, तो ये चीज आपको देख लेनी है। अच्छा उसके बाद और मुझे लगता है कोई ऐसी चीज, हाँ यस मोड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा 100 रुपए रहेगा, 100 ओनली रहेगा, ये आपका जनरल वालों के लिए होता है। अगर आप बात वोमेन की करेंगे, एससी की एसटी की फिजिकल हैंडीकैप्ट की एक्स सर्विसमैन की करेंगे तो कोई फीस नहीं है, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी अलग से इसमें कुछ चीजें दी गई है। हाँ अब बात आ जाते हैं सिलेक्शन के ऊपर, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन शेड्यूल, 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन 1 टायर टायर 2 एग्जामिनेशन शेड्यूल के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करेंगे तो डीएसएसबी विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड एज पर एग्जामिनेशन गिवन इन द एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, एनेक्सर 1 भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा एक और चीज देखिए, द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, एग्जामिनेशन क्वेश्चन होंगे जो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी आएंगे इंग्लिश में भी आएंगे, ठीक है। देर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन चेकिंग, रिवेल्युएशन का और चेकिंग का कोई प्रोविजन नहीं, जैसे सीटेट वगैरह में आप लोग देख सकते हो सीट वीट मांग सकते हो। डीएसएसबी रिजर्व द राइट, डीएसएसबी के पास राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है, विड्रा कर सकता है एनी भी क्वेश्चन को, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो। बोर्ड हैज फिक्स्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए इसमें दे रखे हैं मिनिमम क्या रहेंगे, अगर उसके साथ साथ आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो रिजर्वेशन अलग से कंसेशन दिया गया है। बोर्ड मेक प्रोविजन सिलेक्शन फॉर द कैंडिडेट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, जो आपने एप्लीकेशन में जो जानकारियां दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन, कोई गलती पाई जाती है तो रिजेक्शन हो सकता है। इफ देर आर 2 or more कैंडिडेट, अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट एक जैसे मार्क्स ले रहे हैं, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन विल बी प्लेस्ड हायर, तो उस बच्चे के हाई नंबर माने जाएंगे जिसने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लिए हों। In case where the marks in subject specific are also equal, the candidate older in age will get preference. अगर बराबर के नंबर दिए गए हैं दोनों को, फिर भी अगर जैसे मान लो दोनों बच्चों के बराबर मार्क्स आ गए, तो दो बच्चों के, तो जिसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी दोनों के बराबर हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इनकी इसका मतलब जो बाद में पैदा हुआ वो उसकी गलती। इन केस ऑफ फर्दर टाई कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स इन एन एज विल गेट प्रेफरेंस, और अगर एज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इन केस ऑफ फर्दर टाई, अगर फिर भी टाई हो जाएगा तो कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स इन अल्फाबेट ऑर्डर, जिसका इंग्लिश में पहले नाम आ जाता है, जिसका इंग्लिश में पहले नाम आएगा उसको हायर मेरिट दी जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर सब्जेक्ट में नंबर बराबर आए तो स्पेसिफिक देखा जाएगा, वहां भी बराबर आए तो जो एज में बड़ा होगा वो देखा जाएगा, और एज भी अगर बराबर हुई तो फिर इंग्लिश में जब आप नाम लिखेंगे, जैसे एक का नाम है अमित एक का नाम है सुमित, अमित में ए है जो पहले आता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये बड़ा कोइंसिडेंस होता है, ये गुड लक और बैड लक वाला मामला यहां होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की डेट आपको दी जाएगी। अच्छा सिलेबस की बात अगर करेंगे तो फॉर 1 and Tier 2 जनरल अवेयरनेस आपका सेक्शन ए में, जिसमें आपका पूरा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसका सिलेबस मैं आप लोगों के लिए आज या कल में डाल दूंगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें पूरा का पूरा आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी तो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन यहां पर रहेगा। सिलेक्टेड से टॉपिक है, जैसे आप लोगों को कई लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट वाला मैथ होता है वो आपको यहां पकड़ा देते हैं ये सारा कीजिए, नहीं होता सारा,
ये जनरल पेपर वाला पोर्शन होता है जिसमें सिलेक्टेड सी चीजें होती हैं, जो मुश्किल से आप लोगों के लिए 10 से 12 टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। आप वो एसएससी की तरह, बैंकिंग की तरह, वो बिना वजह वाला कहीं से भी मैथ के टॉपिक जो बना उठा करके आपको वीडियो चिपका देते हैं, उनको उनके मत अंदर मत उलझे रहिए, वो चीजें आपके लिए नहीं है। यहाँ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन होगा वो आपके लिए होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेक्शन बी की बात करेंगे तो एप्लीकेबल ओनली फॉर वन टायर टेक्निकल ओनली, फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा। टायर टू की बात करेंगे तो सिलेबस ऑफ टायर टू विल बी सेम एज ऑफ वन टायर एग्जाम्स, तो उसके अकॉर्डिंग सेम उसके जैसा ही रहेगा, जिसमें सारी चीजें वो आपको दी जाएंगी जो यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, बिल्कुल होगा, लेकिन दिल्ली का होगा तो आपको बेनिफिट भी अलग मिलेगा। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उसके आधार पर एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। रिजर्वेशन के बेनिफिट्स की बात करेंगे तो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ट और अदर स्पेसिफिक कैटेगरी कैंडिडेट इन अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्टर ऑर्डर सर्कुलर इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज एंड और टू सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और दिल्ली का होना चाहिए, ये चीजें भी यहाँ पर साफ साफ बताई गई हैं। अच्छा, उसके बाद अगर अलग बात करेंगे तो ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी। ये मैं पहले भी बोल रहा था आपको, जो दिल्ली के अंदर ओबीसी में बच्चे आते हैं वो ओबीसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे ओबीसी के हैं वो जनरल में काउंट होंगे, ये चीज आपको देख लेना है। ओनली फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, दो ही प्रकार के सर्टिफिकेट जो हैं वैलिड सर्टिफिकेट और ग्रांट सर्टिफिकेट बेनिफिट वाले होते हैं। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड जो दिल्ली करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जीएनसीटी दिल्ली, ये वाला होगा, और जीएनसीटी इंडिविजुअल फैमिली वाला होगा आपका। अच्छा, उसके बाद आप बात करेंगे एज की, तो वैसे तो आपके लिए 30 है, एससी एसटी के लिए 5 साल का लेसन 35 चलेगा, ओबीसी हैं आप तो 33 चलेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो 40 तक हाइएस्ट होगा, फिजिकल एससी एसटी हैं तो 45 तक हाइएस्ट होगा, फिजिकल और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ट और ओबीसी हैं तो आपका 43 तक रहेगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए अलग से 5 साल का वो दिया गया है, गेस्ट टीचर्स के लिए भी अलग से आप लोगों को कंसेशन दिया जाता है, अगर आपने पहले नहीं लिया तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। ये कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, इनके ऊपर बहुत से बच्चों को डाउट होता है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता है, फिर भी मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को ज्यादातर बच्चों को दे ही रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, कहीं भी आपको घूमने की जरूरत नहीं है, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी वार्ड में, कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। आज घंटों तक आपको सफर करके बाहर कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे पूरी वीडियोज दी जाती है, उसके साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सिलेक्शन के लिए चीजें काफी होती है। धन्यवाद।